हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी जीडी के। जो हम पहली वाली वीडियो आपने देखा होगा, जो एसएससी ने मॉडल पेपर रिलीज किया हुआ है अपना, जीडी का जो पेपर आपका होने वाला है उसका जो मॉडल पेपर उसने रिलीज किया हुआ है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, आधा पेपर, और आधा पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस के हर एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक आपको क्वेश्चन दी गई है, आपको इसकी आपको वैल्यू बतानी है। आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या रूल अप्लाई करते हैं, बॉडमास का रूल। तो बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व करिए। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो सबसे पहले बॉडमास में क्या आता है, डी आता है बॉडमास में, बी ओ डी एम ए एस। जब ब्रैकेट के अंदर हम चले गए हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन करिए 10 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 14 बाय 3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डी के बाद मल्टीप्लीकेशन एडिशन, तो पहले एडिशन कर दीजिए, 3 प्लस 10 3 इंटू 10 30 प्लस 14 44 बाय 3 और माइनस 1। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 41 बाय 3। ठीक है, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई है, 41 बाय 3। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 205 बाय 9। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू इतनी आ गई, 205 बाय 9। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये कितना लिखा हुआ, 31 बाय 3 डिवाइडेड बाय 205 बाय 9। ठीक है, 30, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे जब डिवाइड कर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो वो चेंज हो जाता है साइन, तो 31 बाय 3 इंटू 9 बाय 205। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कट रहा है कुछ, बिल्कुल 31 इंटू 3 93 बाय 205, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं। ठीक है, 93 और 205 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, गिवन है आंसर। आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप बॉडमास का रूल लगाएंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में आप बॉडमास का रूल लगाएंगे, उसको सॉल्व करने के बाद एक एक करके आप एज इट इज सॉल्व करते जाएंगे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स टोटल 9 आवर्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजेश अपने घर से ऑफिस जाता है, यहां से यहां गया, किस स्पीड पर जाता है, 25 की स्पीड पर, और जब वापस आता है तो 20 की स्पीड से आता है वापस। टोटल टाइम जाने और आने में उसे 9 घंटे लगे हैं। ठीक है, जाने में भी और आने में मिला के उसे 9 घंटे लगे हैं, तो हमें ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस बताना है। देखिए, जब टोटल टाइम गिवन हो, जब टोटल टाइम गिवन हो, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, या तो आप एलिगेशन लगा दीजिए या तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इस अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, यहां से यहां जा रहा है यहां से आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों केस में, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्स रेशियो होता है। जैसे S1 और S2 का रेशियो क्या है, 25 और 20, यानी 5 और 4, ये S1 S2 का रेशियो है। तो जो T1 T2 का रेशियो आएगा, T1 और T2 का रेशियो होगा, इसके इनवर्स होगा, जो 5:4 है तो वो 4:5 होगा। ठीक है, अगर S1 S2 अगर 5:4 है तो T1 T2 कितना होगा, 4:5, इनवर्स रेशियो होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, टाइम हमें गिवन है 9 आवर्स, और यहां पे अगर समीशन करोगे इस दोनों को, कितने आएंगे, 9 यूनिट आ रहा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू तो 9 आवर दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 घंटे। तो जाने में उसे 4 घंटे लग रहे थे और आने में उसे 5 घंटे लग रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं, जब जा रहा था वो 4 घंटे लग रहा था, आ रहा था तो 5 घंटे लग रहा था, तो आप किसी भी अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए। जब जा रहा था तो 25 की स्पीड से जा रहा था तो 4 घंटे लग रहा था उसे, कितने डिस्टेंस आ जाएगा आपका, 100 किलोमीटर। या फिर आने वक्त आते वक्त 20 की स्पीड से आ रहा था और 5 घंटे लग रहा था, तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। दोनों तरफ से आपका 100 किलोमीटर ही आंसर आएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर आंसर सी।
समझ में आया ना आपको? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रेशियो हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 30 सेंटीमीटर, इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इट इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा इशू है शायद, 14 रुपीज है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करता है। हमें बोला क्या है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन द पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब ये जो कोन ऐसे बनता है, अगर इनवर्स कोन बनाएंगे तो ऐसे कोन बनेगा, तो हमसे पूछा क्या है, ये जो इसको हम जब पेंट करेंगे तो उसका हमें कितना कॉस्ट लगेगा। सबसे पहले इसका एरिया निकाल देते हैं, बाहर का एरिया कर्व सरफेस, बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, पाई आर एल, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे आर गिवेन है, हमें हाइट गिवेन है, तो एल आ जाएगा, ये एल होता है, हाइट कितना है 16, रेडियस कितना है 30, ठीक है। तो एल कितना होगा, रूट में 16 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, ये 256 और ये 900, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1156, ठीक है। और ये 1156 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 34 का, ठीक है, 1156 34 का स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 30 इंटू एल कितना है 34, ठीक है, आपका ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। आपसे बोला क्या हुआ, ये 14 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 14 रुपए 14 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर को जब वो पेंट करता है उसके 14 रुपए लेता है, तो इतने के पेंट करेगा कितना रुपए लेगा, इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 72 जा, उसके बाद और सॉल्व करिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए 22 इंटू 30 इंटू 34 इंटू 2, अब इसको यहां पे सॉल्व करिए 22 इंटू 3 66 0 और 34 इंटू 2 68, हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहां पे यूनिट डिजिट देखिए, यहां पे ध्यान से, तो 8 है यहां पे 6 है, ये 0 का यहां पे इंटू 10 लिख दूं, कोई इशू तो है नहीं, तो 66 इंटू 68 इंटू 10, तो यहां पे यूनिट डिजिट देखिए 6 है यहां पे 8 है, तो अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो भी आए लास्ट में तो एक जीरो आएगा, उसके बाद 8 आएगा यूनिट डिजिट पर, सेकंड यूनिट डिजिट जो होगा उसमें 8 आएगा, क्योंकि 8 इंटू 6 48 होता है, उसमें 8 आता है, तो यहां पे 8 आएगा। ऑप्शन देखिए खाली 8 में है, तो आप आंसर मार्क कर दीजिए, कुछ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेशन किया, सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वहां से फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 21 मीटर 12 मीटर एंड 16 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दैट रूम, मतलब एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी गई है, हमें लार्जेस्ट रॉड की लेंथ बतानी है कि कितना लार्जेस्ट रॉड की लेंथ क्या हो सकती है, इसका मतलब लार्जेस्ट रॉड की लेंथ क्या पूछा पता है, अगर ये रूम है, आप 3D में देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक टाइप का रूम हो गया, तो लार्जेस्ट रॉड यहां से अगर शुरुआत होगा और यहां तक आएगा, ये लार्जेस्ट रॉड होगा। अब आप 3D में देख लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको यहां समझिए, ठीक है, ये लार्जेस्ट रॉड होगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ हम उसकी हम रॉड की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार यहां से पाइथागोरस लगेगा, उसके बाद ये जब लग गया, उसके बाद यहां से और यहां से पाइथागोरस लगेगा, ठीक है, दो पाइथागोरस लग के ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एल स्क्वायर कितना होगा 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, बी स्क्वायर यानी ब्रेथ का स्क्वायर 144 और एच स्क्वायर 16 के स्क्वायर 256, ठीक है। आप इसको ऐड करिए 1 4 6 6 4 10 11 1 5 4 9 4 13 1 14 2 4 1 3 7 8
841 किसका स्क्वायर होता है 29 का, स्क्वायर आपको रटे होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 29 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मुला रटा होना चाहिए। इफ द कॉस्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 220 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20%, देन द सेलिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, फॉर्मूला होता है ये। आपको सीपी दी गई है, प्रॉफिट परसेंट दी गई है, एसपी निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सब कुछ, 220 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 120 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल हो गए, 12 इंटू 22 करना है, 12 दो 24, 2 26, 264 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 पावर 5 एंड 3 क्यूब 5 का स्क्वायर, मतलब क्या बोल रहा है, दो नंबर आपको गिवेन है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसका आपको एससीएफ बताना है। एससीएफ के लिए आपको क्या बताया हुआ है कि वो नंबर जो दोनों में है वो आप निकाल लीजिए, वही एससीएफ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब और 3 का पावर 5 लिखा हुआ है, और 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ऐसा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो दोनों में है, 2 क्या दोनों में दिख रहा है, नहीं, 5 क्या दोनों में दिख रहा है, नहीं, लेकिन 3 तो दिख रहा है। 3 यहाँ पे 3 पावर 5 है और ये 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 5 अगर ध्यान से देखो तो ये, इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई इशू थोड़ी ना होता है, एक ही चीज है। इसको हमने ऐसे लिख दिया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, कोई इशू तो है नहीं, सेम ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो जब पावर से बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यही एससीएफ आपका हो जाता है। एससीएफ वही होता है जो दोनों में है, जो दोनों में है वही आपका एससीएफ होता है। तो एससीएफ कितना जाएगा, 3 का क्यूब, आंसर ए, ठीक है, समझ में आया ना आपको, आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज एन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर अ कंट्री फॉर 5 consecutive ईयर्स, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। इफ द एक्सपोर्ट फॉर द ईयर Y3 इज 35,000 crore, देन व्हाट विद द इंपोर्ट फॉर द ईयर Y3। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो यहाँ पे गिवन है, आपको एक चार्ट गिवन है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, एक चार्ट गिवन है यहाँ पे, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो गिवन है, ठीक है। अब Y3 के लिए, अब देखिए Y3 की बात हमें बताइए कि Y3 में एक्सपोर्ट 35,000 crore है, तो हमें इंपोर्ट बताना है, तो Y3 में हम रेशियो निकाल देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। Y3 अगर ध्यान से देखिए तो Y3 ये रहा, ठीक है, ये कितना है 1.2 और 1.2 के बीच का है, ये क्या है 1 और 1.1 के बीच का है ना, तो इंपोर्ट तो कितना हो गया तकरीबन, ये इसे हम 1.1 ले ले। अगर ये Y3 में देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 1 और 1.2 के बीच का है, तो ये 1.1 ले ले, तो इंपोर्ट, अब यहां से देखिए सॉल्व करता हूं इसे मैं, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 11/10 हो गया, ठीक है, 1.1 11/10 हो गया। अब हमसे बोला है एक्सपोर्ट की वैल्यू इतनी है, 10 की वैल्यू 35,000 crore है, ठीक है, हमें 11 की वैल्यू पूछिए, इंपोर्ट की वैल्यू पूछिए, तो 10 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3500 और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38500, आंसर डी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। आंसर आपका आ जाएगा 3850, 10 की वैल्यू दी गई है आपको और 11 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया ना आपको। चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए, इफ पी इज 40% लेस देन क्यू, देन क्यू इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन पी, मतलब अगर पी 40% कम है क्यू से, तो यहाँ पर रिलेशन देखिए, 40% मतलब क्या होता है 2/5, आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, 40% मतलब 2/5, अच्छे से लिख देता हूं मैं, चलिए देखिए 40% को हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो 2/5। अब क्या बोल रहा है, पी इज 40% लेस देन क्यू, अगर ये क्यू है तो पी जो है वो 2 कम है, तो पी कितना होगा 3 होगा, अगर क्यू 5 है तो पी कितना होगा 3 होगा। अब हमसे क्या बोला, क्यू इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन पी, तो क्यू जो है वो पी से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है, क्यू जो है पी से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है, किससे 3 के कंपेरिजन में बोल रहे हैं, 2/3 × 100 कितना आ जाएगा 66.66%, 2/3 कितना होता है 66.66% होता है, आपका आंसर सी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असम बिकम्स 5 times ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स विल द असम बिकम्स 125 times ऑफ इटसेल्फ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक कोई प्रिंसिपल था वो अपना 5 times हो जाता है 3 साल में। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, अमाउंट ये क्या बोल रहा है, सम बिकम 5 times, मतलब वो अमाउंट 5 गुना हो गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल सी आई में पी 1+R/100, ठीक है, पावर एन, ए पी पी 1+R/100 पावर एन। अमाउंट कितना हो गया, अगर जितना प्रिंसिपल था उसका 5 गुना हो गया, अगर प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट 5p हो गया, ठीक है, 1+R/100। आर की वैल्यू हमें दी गई नहीं, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है, 3 साल, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट 5p हो गया, कितने सालों में, 3 सालों में, आर की वैल्यू में नहीं दी गई है। लेकिन यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 1+R/100 power 3 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, 1+R/100 power 3 की वैल्यू 5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो अमाउंट है वो कितने टाइम के बाद 125 हो जाएगा, जो अभी 5 है 3 सालों में वो कितने टाइम के बाद 125 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बात बताइए, 5 125 कब होगा, जब इसको हम क्यूब कर देंगे, इसका जब इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से 125 कैसे जा रहा है, इसका क्यूब करने पर, जब इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमें इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा जब क्यूब कर देंगे, 9 125, मतलब 3 सालों में अगर कोई प्रिंसिपल 5 गुना हो जा रहा है तो 9 सालों में वही प्रिंसिपल 125 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 9। आप यही फॉर्मूला लगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए कुछ मत याद रखिए, खाली ये फॉर्मूला लगाइए, जो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जैसे जिस फॉर्मूले पे पूछा आप उसको चेंज करके आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आया ना आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है। असम बिकम, अगला क्वेश्चन देखिए, असम बिकम्स 10,650 rupees in 5 years एंड 11,076 rupees in 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम, मतलब क्या बोल रहा है, एक कोई प्रिंसिपल था वो 5 सालों में इतना बन रहा है और 6 सालों में इतना बन रहा है, तो हमें बताना है वो प्रिंसिपल क्या था। कहने का मतलब समझिए, देखिए एसआई में एक बात आपको बताई हुई थी, अगर आपने एसआई की वीडियो देखी होगी, कि एसआई में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट सेम मिलता है, जितना आपको पहले इंटरेस्ट मिल रहा है पहले साल उतना ही दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कोई प्रिंसिपल था तो 5 सालों में वो अमाउंट कितना बन गया, 10,650 रुपए, ठीक है, अमाउंट ये बन गया है। तो एक बात बताओ, अमाउंट कब बनता है, जब 5 सालों को मैं इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो अमाउंट बनता है। 1 साल के इंटरेस्ट अगर हम एक्स ले लें तो इस 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 5 साल का इंटरेस्ट मिला होगा, 5x इंटरेस्ट मिला होगा, 1 साल का x रुपीज इंटरेस्ट है, तो 5 सालों में 5x का इंटरेस्ट मिला है, और 6 सालों में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6x का, और अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1076, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। 5 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो 5x का इंटरेस्ट मिलकर इतना हो रहा है और 6x का इंटरेस्ट मिलकर इतना हो जा रहा है, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, और इन दोनों के डिफरेंस वो सेम ही है, ये 5वें साल और 6ठे साल का जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, यानी 6x-5x की वैल्यू 11076-10650 है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 650 है ये, ठीक है। जब यहां पे सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 6 ये गया 7 में 5 गया 2 और ये 4, ठीक है, तो 426 आपका आ जाएगा, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 426 रुपए मिल रहा है। कैसे निकाला हमने, 5-6 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 5 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट ये आ गया। अब कहीं से भी निकाल दीजिए, हमें प्रिंसिपल बताना है तो उल्टा चलते हैं, तो 5 साल का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 426 × 5, किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ करते हैं, इसका हाफ कैसे करेंगे, 4 का 2, 2 का 1, 3 का 6 का 3, एक जीरो लगा दीजिए, तो 2130 रुपए 5 साल में इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। अब देखिए अमाउंट क्या होता है, यहां पे देख लेंगे अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई, अमाउंट कितना है, 10,650, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, एसआई कितना है 5 सालों का, 2130 रुपए, तो प्रिंसिपल यहां से कितना आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 10,650 - 2130, तो आंसर आपका आ जाएगा 8,520 रुपए,
ठीक है सी, समझ में आया ना आपको। सबसे पहले आप एक साल को जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट आपका जाएगा एक साल का, तो पांच साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, वहां से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बॉलर हैज टेकन 0-3-2 इतना विकेट इन 50 कंसेक्यूटिव मैचेस, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। हमें इस जो बॉलर ने 15 मैचों में ये विकेट लिए हैं, इसका हमें मोड बताना है। मोड के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सीरीज में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा क्या है, जीरो। तो जीरो कितने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। उसके बाद क्या आता है, वन है, बिल्कुल। कितने हैं, एक दो, तो एक दो। उसके बाद टू है, बिल्कुल। एक दो तीन चार, तो चार बार दो लिख दीजिए, दो दो दो, चार बार लिखना है ना, दो दो। ठीक है, उसके बाद क्या, तीन है, एक दो, दो बार तीन है, तो तीन दो बार ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, चार है, कितनी बार चार है, एक बार चार लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है, पांच है, एक दो तीन बारी पांच है, तो पांच लिख दीजिए तीन बारी। ठीक है, आपका 15 हो गया कि नहीं, तीन दो पांच चार नौ दो ग्यारह एक बारह तीन 15 15 डिजिट 15 विकेट फूके हर मैचेस के आपने लिख दिए। अब हमें मोड बताना है। मोड क्या होता है कि जितने टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स है, 15 15 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बाय 2 इज इक्वल टू 8th टर्म जो होगा वो इसका मोड होगा। ठीक है, जो इसका 8th टर्म होगा, आपने जैसे सीरीज में लिख लिया, अब इसका जो 8th टर्म होगा वो मोड होगा। अब 8th टर्म देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां टर्म है, तो 2 आपका मोड आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसा किया आप, सबसे पहले आप सीरीज में लिखिए, उसके बाद जितने टर्म्स है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसके बाद जो टर्म आएगा जो सीरीज में गिवन है वो टर्म जो होगा वो आपका मोड होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। A bag has 420 rupees in the denomination of 1-5 rupees coins. The number of 1-5 rupees coins are in the ratio this. How many coins of 5 rupees are in the bag? Question क्या बोल रहा है? एक बैग में 420 रुपए हैं, एक दो और पांच के सिक्के हैं, और वो एक दो जो पांच के सिक्के हैं वो 8-1-5 के रेशियो में, तो हमें बताना है कितने 5 रुपए के कॉइन्स हैं। देखिए जब अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप एक काम करिए, जो रेशियो गिवन है आप उसको लेट कर लीजिए। जैसे रेशियो क्या गिवन है कि कॉइन्स कितने हैं, 8, 1 और 5, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, 8x होगा, ये x होगा और ये 5x होगा, रेशियो यही है। इतने कॉइन्स हैं, 8x कॉइन्स हैं, ये किसके हैं, ये 1 रुपए के हैं और ये 2 रुपए के हैं और ये 5 रुपए के हैं। तो एक बात बताइए, अब पैसे में हम काउंट करेंगे, प्राइस काउंट करेंगे, 1 रुपए के 8x कॉइन है, तो कितने रुपए हुए, 8x रुपए। उसके बाद 2 रुपए के x कॉइन्स हैं, तो कितने रुपए होंगे, 2x रुपए होंगे ना, जितने कॉइन्स हैं उसके डबल। 5 के रुपीस के 5x कॉइन है, तो कितने रुपए होंगे, 25x। एक कॉइन में 5 रुपए होते हैं, तो 5x में 25x रुपए होंगे। इसको आप ऐड करेंगे तो 25 2 27 8 35x, इतने रुपए हैं आपके पास। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 420, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 12। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। हमसे पूछा क्या है, 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपए के 5x कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 5 रुपए वाले 5x, दैट इज 60, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, 60 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो चलिए ये जो पेपर होगा, जो पेपर आपको एसएससी ने रिलीज किया हुआ था, ये यहीं पे खत्म होता है। 2 पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन का जो बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है वो आपको मैंने सिखाया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक जो आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे उनके साथ। ठीक है, थैंक यू।